हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे हो। तो आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ जो कि मोस्ट अवेटेड चीज़ है। और एक्चुअली हमारे वेडिंग के बाद हम लोगों को अपने एल्बम डिलीवर नहीं हुआ था एंड वी आर वेटिंग। सो फाइनली अभी घर आके हम लोग को पता चला कि एल्बम डिलीवर हो चुका है। तो हम लोग तो बहुत ही एक्साइटेड है ये एल्बम देखने के लिए आप लोगों के साथ। इसीलिए ये व्लॉग स्पेशली हम लोग बना रहे हैं ताकि आप लोग भी हमारा वेडिंग एल्बम देखो एंड हमारे साथ फिर से ये मोमेंट हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। सो चलते हैं और अपना वेडिंग व्लॉग देखते हैं और पुरानी यादें फिर से ताज़ा करते हैं। एल्बम ऑर्डर दिया था वो था कैनबरा एल्बम और वो क्वांटिटी 3 था। सो बेसिकली वो लोग 2 करते हैं लेकिन हम लोगों ने बोला था कि नहीं आप तीनों के तीनों कैनबरा एल्बम कर लो। सो एल्बम ये है पूरा एल्बम। ये अभी हम खोल के आप लोगों को दिखाएंगे। ये बहुत ही प्रिटी है। चलो इसको खोलते हैं। ये कुछ ऐसा है दिखने में पूरा। तो अब चलो डिस्क्लोज करते हैं इसको। तो ये है हमारा शादी का एल्बम और ये इसका फ्रंट पेज है। आप देख सकते हैं कितना मस्त फिनिशिंग है। और ये ना एक्चुअली हम लोगों ने ग्लॉसी फिनिश हमने मंगवाया था। ये लोग हम लोगों को ऑप्शन भी दिए थे कि लाइक मैट चाहिए या ग्लॉसी। तो हमने ग्लॉसी प्रेफर किया। यस, हम लोगों ने प्रेफर किया कि नहीं ग्लॉसी चाहिए। तो चलो चल के देखते हैं फोटोज। ये देखो ये मेरी शादी से पहले वाला फोटो है। अच्छा, मतलब जब तुम नहीं पहुंचे थे। नहीं पहुंचा था तो उस टाइम पे ये फोटोज क्लिक कर रहे थे ना। हाँ ओके। पर ये वाला तो शादी का है। समझ ये भी कवर पेज ही लग रहा है ना। हाँ, बट वो मैट फिनिश लग रहा है एक्चुअली। नहीं नहीं मैट नहीं, सारा ग्लॉसी है। ये वाला हमारा प्री वेडिंग का था। डेनमार्क ट्रेवन में किया था ना हमने। डेनमार्क ट्रेवन, हाँ ट्रेवन में किया था। हाँ वो भी यहाँ पे हमने पूरा बुक वगैरह किया था। यहाँ का सब कुछ रेस्टोरेंट है ये एक। अरे वाह, ये फोटो तुमने कहाँ लिया था? ये हमारे घर के पास हमने फोटो लिया था। दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। गजब गजब है। ये देखो यार मेरा नेल्स देख रहे हो। मैंने स्पेशली शादी के टाइम पे मैंने नेल्स करवाया था। ये नेल्स एक्सटेंशन करवाया क्या? यस, बहुत ही सुंदर था यार। मस्त लग रहा है। ये देखो चीकू। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दिख रहा है। नेक्स्ट ये है मेहंदी सेरेमनी। मेहंदी में तो मस्त यार। मेहंदी में ना बहुत ही बड़ा स्टोरी है। मतलब मैं भी बोलने जाऊंगी तो ये खत्म ही नहीं होगा मेहंदी वाला स्टोरी। नहीं नहीं बट अच्छा लग रहा है। फोटोज तो बहुत अच्छे हैं। मुझे अभी भी याद है मैं रात के ना 1-1 बजे तक, मतलब 1 बज गया था फिर भी अपना मेहंदी लगाई जा रही थी। मैं तुमको कॉल भी करी थी शायद कि अभी कॉल किया था मैंने कि तुम्हारा मेहंदी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। और सबसे मजेदार मैं बात बताती हूँ कि जो मुझे मेहंदी लगाने आई थी वो ना मेरे घर ही रुक गई। रात को वहीं सो गई क्या? हाँ हमारे घर ही रुक गई थी क्योंकि ना वो मतलब उसका घर थोड़ा दूर था, लोकल ट्रेन से उसको आना जाना पड़ता था। तो अभी वो पहुंची 8 बजे और 10:30 बज गया फिर भी मतलब उसका ऐसा था कि भाई अभी ट्रेन कहाँ से मिलेगा। तो मैंने बोला कि आप हमारे घर ही रुक जाओ। तो ये हमारा मेहंदी वाला स्टोरी। चलो फोटोज देखते हैं। हाँ चलो, तो ये मेहंदी वाला हो गया, चेंज करो। सो नेक्स्ट ये वृद्धि वाला है। इस फोटो में तो ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान लक्ष्मी उतर के आ गई। अरे वाह वाह वाह। अरे सच में ये फोटो मेरा फेवरेट है। अरे वाह, मुझे भी मतलब ये जो कॉम्बिनेशन मैंने किया था ना बहुत ही सुंदर लग रहा था दिखने में। और सबसे बड़ा बात ये फोटो मतलब स्किल्स तो देखो यार कितना अच्छे से इन लोगों ने फोटोज वगैरह क्लिक किया है। करेक्ट करेक्ट।
नेक्स्ट ये है डांस वाला वीडियो जो तुम्हारे घर वाले आए थे यहाँ पे और हाँ आशीर्वाद वगैरह करके फिर ये वाला पार्ट हुआ था और ये भी सेम ये वाला फोटो भी बहुत मस्त है। देखो ना सारी का फ्लो कितना अच्छा है। मुझे तो किसी फिल्म में काम करना चाहिए। सही बात बोल रही है तुम जाओ फिल्म करने और मैं यहाँ पे ऐसे ही यार दे दो यार टॉलीवुड में चांस दे दो क्या पता मैं बंगाली मूवी करने लग जाऊँ यहाँ पे। तो चलो नेक्स्ट क्या है। हाँ ये ना हमारे वहाँ पे घर के पास एक पुराना मंदिर है कृष्ण भगवान की हम लोग वहाँ पे जाके शूट कर रहे थे एंड इसका जो लुक आया ना वाओ। ये देखो पापा जी बेसिकली ये वाला जो साड़ी है ना इसको लाल पाड़ वाला साड़ी कहते हैं। ये तो बंगाली का ट्रेडिशनल है वाइट साड़ी एंड लाल पाड़ बहुत सुंदर है। हाँ चलो नेक्स्ट ये वाला क्या है। अच्छा ये मम्मी उस टाइम पे ना मुझे ये शाखा वाला पहनाती मतलब उस टाइम पे ही पहनाना होता है उससे पहले आप नहीं पहन सकते हो तो उसी टाइम पे ये शाखा वाला सब कुछ ये मम्मी ऐसे करके पहना रही थी और ये देखो मम्मी आशीर्वाद भी कर रही थी और डांस भी कर रही थी। हाँ और ये माला भी ना मेन होता है शादी का। हाँ ये तो मुझको भी पहनाया गया था तुम्हें भी ना तुम्हारा भी फोटो होगा फिर तो पहनाते टाइम। अरे ये तो हल्दी वाला है भैया को देख लो यार कैसे मैं हल्दी लगा रही हूँ उसको उसकी शादी में तो एंजॉय नहीं कर पाए वो मेरे शादी में एंजॉय किया। ये वाला मस्त लग रहा है ना फोटो। हाँ ये फोटो तो मस्त है। ये तो बाकी सभी हल्दी का ही फोटो है जो हमने एंजॉयमेंट करा एंड नाउ फाइनली वेडिंग का वेडिंग स्टार्ट। यार बताओ मैं कैसी लग रही थी दिखने में उस दिन। बहुत ही धासु मैं तो कभी तो कॉम्प्लीमेंट करे नहीं सच में मैं अभी फोटो में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। मैं तुमको देखते ही खुश हो गया था इतना चुम्मेश्वरी मेकअप किया था तुमने क्या ही बताना। सो गाइस मैं ना शादी के टाइम पे इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट ही नहीं किया ठीक है मैं उसको बताते मतलब ऐसे देख रही हूँ कि भाई कॉम्प्लीमेंट कर दे ये कर ही नहीं रहा है फिर मैंने इसको बोला गया मैं कैसी लग रही हूँ तुम बता ही नहीं रहे हो तो अब बताओ अब सबको तुम बताओ कैसी लग रही थी। बहुत सुंदर लग रही थी ये फोटो प्रूफ है प्रूफ कितनी सुंदर लग रही थी बट ये खुद से कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया ठीक है मैं पूछती हूँ उसके बाद ही ये कॉम्प्लीमेंट देगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं ये तो सारा शादी वाला ही है। मेकअप कैसा हुआ था यार मेकअप भी तो बढ़िया था। ये देखो ये है मेरे दोनों देवर मेरे लौते दोनों देवर और यहाँ पे जय शादी के मंडप में बैठा हुआ है मेरा वेट कर रहे थे क्या। ये देखो मेरे ससुर जी इस टाइम पे ना कॉमेडी हो गया था क्या हुआ था ना फोटोग्राफर सोच रहे थे कि ये शायद कोई रिलेटिव है ठीक है तो उनको लगा ये कोई रिलेटिव है बट तो मुझे बोल रहे और क्लोज जाके मैं बोले अरे भाई ससुर जी है मेरे मुझे ओके ठीक है फिर वो लोग भी हंसने लगे और मैं भी लिटरली हंसने लगे कि यार क्या हो तो उसके बाद नेक्स्ट करो तो सारे वेडिंग वाले ये देखो हमारे बंगाली में ना ये बहुत ही ट्रेडिशनल होता है ऐसे पान का पत्ता लेके मतलब मुंह ढकना होता है। हाँ यार फोटोज तो बड़े मस्त है। ये देखो मैं डांस कर रही हूँ और वो तुम मुझे प्रणाम कर रहा ये फोटो दूसरा है। हाँ उन लोगों ने ऐसे मर्च किया ऐसे लग रहा है तो बैठे बैठे मंत्र पढ़ने में ही लगा हुआ था ठीक है बट ये वाला फोटो फेवरेट है मेरा देखो जिस टाइम पे हम वो माला बदल करते हैं। हाँ ये भी हमारे शादी के अंदर ही रिचुअल्स में आता है हाँ सारे मोमेंट्स सब याद ही आ गए। ये देखो इस टाइम पे याद है पंडित हम लोगों को क्या बोल रहा था
तो एक्चुअली पंडित हम लोग को बोल रहा था कि ऐसे हाथ, इसको हस्तबंधन कुछ ऐसे बोला जाता है, हस्तबंधन कहते हैं। हाँ, हाथ दोनों का रखने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर आप कुछ गमछा, हाँ वो कुछ मतलब उनका कुछ रहता है, ये पूजा का ही सारा चीज़ें है तो रखना होता है और ये बहुत देर तक बैठना होता है। तो हम लोग को पहले ही बोल दिया गया था कि आप दोनों कंफर्टेबल बैठ गए ना, क्योंकि ये अभी बहुत देर तक चलने वाला है। तो फिर हम लोग एकदम ऐसे ऐसे करके हम लोग बैठे आराम से, है ना, बैठे के बाद फिर हमने अपना सारा क्रियाकर्म किया। बट और ना हम लोग शादी के टाइम भी इतना बातें कर रहे थे कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि कब शादी हो गया, क्योंकि एक तो यहाँ पे मतलब हमारा टाइमिंग बहुत ही लेट था, बहुत लेट था, 11:30 बजे तो लगने था। हाँ, तो 11 हम लोग शादी करते करते हम लोगों का 3:30 हो गया था, हम लोग तो 4 बजे खाना खाए और रूम पहुँचते 4:35 o'clock ऐसे सुबह, तब तो सुबह जब रूम पहुंचे तब तो चिड़िया चहचहाने लग गई थी। मैं सोचा यार रात भर शादी की है। यार सच में हमारा ये चीज़ बहुत गलत हुआ, एकदम नाइट में हम लोग का शादी वाला टाइम था। ये भी देखो, ये भी बहुत ही प्यारा मोमेंट था। यार मुझे भी नहीं पता ये इसको क्या बोलते हैं। इस टाइम पे ना मतलब एक तो सुजय को इतना अच्छे से बंगाली बोलना आता नहीं है, और यहाँ पे ना एकदम प्रॉपर बंगाली का मंत्र वगैरह पंडित बोले जा रहा था, तो ये ना गलत गलत बोल रहा और मुझे इतनी हंसी आ रही, ये बात भी तुम इसमें बताओगी क्या? और लिटरली मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना मैं हंसे जा रही हूँ। ये सब मतलब रिलेटिव्स लोग सोच रहे थे भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग शादी वादी नहीं कर रहे हैं क्या, मतलब हंसे जा रहे हैं। तो हमारा ऐसे कुछ ये वाला मतलब फोटो दिखाओ जिस टाइम पे तुम मुझे समझा रही थी कि तुम गलत मंत्र पढ़ रहे हो, ठीक है, और मैं शॉक्ड हो गया कि अच्छा ऐसा हो रहा है यार, ये तो मीम बन जाएगा बट यार मेरे सिंदूर वाला फोटो कितना प्यारी लग रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी लग रही हूँ। ये आप लोग को फर्स्ट एल्बम हमने दिखा दिया, एंड नाउ इट्स टाइम टू शो यू द सेकेंड वन। सो हियर दिस इज द सेकेंड वन। सो जय नहीं है यहाँ पे बिकॉज उसका थोड़ा काम पड़ गया, सो मैं सोची कि मैं ये आप लोग को दिखा देती हूँ सेकेंड वाला एल्बम। सो चलो चल के सेकेंड वाला भी देखते हैं। तो ऐसा है कुछ कवर पेज, एंड ये भी सेम कैनवेरा। See, this is the one. ये ना हम लोग शादी के बाद हम लोग की शादी हुई थी सुबह 4 बजे तक, एंड नाउ हम लोग एकदम फुल्ली टायर्ड हो चुके थे तो मैं सोई गई, यही मेरा पोज है। वो लोग बोल रहे थे फोटोग्राफर लोग के पोज दो, बट यही है मेरा पोज, सो गई मैं। चलो नेक्स्ट। ये एक्चुअली हमारे ना शादी से पहले होता है, आईब्रो कट बोलते हैं इसको। सो पूरा एकदम पूरा खाना वाना देते हैं, आप लोग देखो ऐसे ही सजा के दिया जाता है। और ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, एंड ये मेरा लुक था अपने आईब्रो भात का। एंड यहाँ पे मेरे भैया भाभी, मेरे पापा सब है, ये मेरी मम्मी, और यहाँ पे देखो मुझे ज़बरदस्ती फिश खिलाया जा रहा था यार बहुत अच्छा था। ये मेरी मेहंदी की पिक्चर है, मैंने ऐसे सजा था मेहंदी के टाइम पे, एंड हम लोग सब डांस कर रहे थे। और मैं तो पिछले वाले ब्लॉग में आपको तो बताई थी मेहंदी वाला स्टोरी, तो मेरा मेहंदी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, मतलब रात के 2 बज गया था मेरा मेहंदी कंप्लीट होते होते। सो उससे पहले हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। देखो भाभी भी मम्मी को मेहंदी लगा के दे रही है, मतलब मम्मी भी मेहंदी नहीं लगाती, बट उस दिन फर्स्ट टाइम मम्मी ने भी मेहंदी लगाया। नाइस मोमेंट यू नो। फिर ये है हमारे जय के साइड का, ये मेरी सासू माँ, ये सब रिचुअल्स हैं यहाँ पे, ऐसे ही जाना पड़ता है। ये देखो जय को,
कैसे हल्दी लगा रहा है देखो। बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में ना। ये भी सेम ये वृद्धि का होता है, ये भी एक रिचुअल्स है वृद्धि का। एंड सेम ये भी बहुत ही अच्छा है फोटोज, सेम जैसे जैक के साइड से हुआ है वैसे हमारे साइड का भी ऐसा होता है। एंड ये है मेरा हल्दी का फोटोज़। वाओ बहुत ही अच्छे से फोटोज़ क्लिक किया। देखो इस टाइम पे जय शादी करने निकल रहा था। ये देखो जय के साइड का भी एक रिचुअल था कि वो शादी से पहले अपनी मम्मी के गोदी में बैठेगा, तो ये देखो बैठा हुआ है और इसको ऐसे बैठ के दूध पिलाया जाता है। एंड बहुत कुछ मेमोरीज है इसमें। और ये शादी के दिन मैं कुछ ऐसे सजी थी और उस दिन तो सच में सेलिब्रिटी वाला फील हो रहा था, बिकॉज कोई भी आ रहा था तो फ़ोटोज़ क्लिक करा देते। बट ना मेरा ना स्माइल करते करते ना लिटरली यहाँ पे दर्द हो गया था यार। भाई कितना ना स्माइल करो, लाइफ में इतना स्माइल नहीं किया मैंने जितना मैं शादी में करी जस्ट बिकॉज ऑफ फ़ोटोज़। ये देखो फोटोज सारे। इस टाइम पे क्या होता है ना, मतलब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, तो ऐसा ही कुछ था। यहाँ पे बस शादी घर में बैठे हैं। ये देखो जय को, ये हम मतलब फर्स्ट देखे एक दूसरे को लाइक शादी से पहले, उससे पहले तो दिखना होता नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि वो कैसे दिख रहा है दूल्हा में, और उसको भी नहीं पता था एज अ दुल्हन मैं कैसे दिख रही थी। बट मैं तो सोच रही थी वो डर ना जाए मुझे देख के। सो ये है आफ्टर मैरिज, ऐसे हम लोगों ने सब फोटोशूट किया। ये पूरे मेरे घर वाले हैं। एंड उसके बाद ये है मेरी विदाई के मोमेंट। भाई विदाई के मोमेंट ये देखो कुछ ऐसा था। मैं देखो हल्की हल्की रो रही थी। ये फिर रिसेप्शन का फोटोज है। एंड ये मेरे देवर को ना बिल्कुल भी फिश पसंद नहीं है, बट मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। बट ये रिचुअल्स था, ऐसे खिलाना पड़ता है। बट खाया नहीं, बस फोटोज ले लिया। एंड उसके बाद कुछ ऐसे, मैं तो इसमें से बहुत लोगों को नहीं जानती हूँ, जस्ट हाँ हंस हंस के फोटोज़ क्लिक करा लिया। ये देखो यहाँ पे सब मम्मी लोग हैं, ये मेरे भाभी के घर वाले हैं। फोटोज़ तो यार अच्छा आया, बट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना उससे कहीं बेटर मतलब फ़ोटोज़ इन लोगों ने क्लिक करा। सो वेरी नाइस। ये हमारी नानी, मैं ब्लॉग में ऑलरेडी दिखाई थी नानी को, लुकिंग सो प्रिटी। यहाँ पे देखो, मैं पता नहीं उस टाइम पे क्या बातें कर रही थी नानी के साथ, बट वो कुछ भी बोल रही थी मैं सुन रही थी बस। ये देखो यहाँ पे लिटरली उस दिन ना पोज देते देते हालत ख़राब हो गया था। सो ये हमारा दी एंड है सेकेंड एल्बम। मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी थर्ड वाला एल्बम। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, तो ये है कुछ थर्ड वन। बहुत ही हेवी एल्बम है। मैं सोची थी कि मैं लेके जाऊंगी नैनीताल में, बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स वेरी 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 हैवी। तो चलो ये भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसका कवर पेज मुझे बहुत ही पसंद आया। तो जो सेकंड वाला मैं आप लोग को दिखाई थी उसमें लाइक सब कुछ मिक्सअप था, लाइक दोनों घर के फंक्शन का मिक्सअप कुछ था।
और अभी जो मैं दिखाने वाली हूँ ये बस जैके साइड का ही हम लोगों ने इसको अलग से ही एल्बम में ऐड करवाया था। सो चलो देखते हैं। तो ये है कुछ ऐसा कवर पेज और ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में, और देखते हैं इसकी खुल के इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या फ़ोटोज़ है। सो सबसे पहले हमारा शादी का ही फ़ोटोज़ आया और बहुत ही सुंदर से लिया। ये हमारे प्री वेडिंग का फ़ोटोज़ है, एक्चुअली ऐड करवाई ऐसे प्री वेडिंग का, वेडिंग का एल्बम है, प्री वेडिंग क्या कर रहे हैं आप लोग ये सोच रहे होंगे, बट मुझे अपना प्री वेडिंग का फ़ोटोज़ इतना पसंद आया कि मैं बोली कि नहीं मुझे ये कैनवरा प्रिंट में चाहिए। तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करके मैं बोली कि आप लोग ऐड ऑन करो। और ये देखो ये शादी के दिन का फ़ोटोज़ है जय का, पता नहीं है कौन सा जंगल में चला गया, जंगल में जाके फ़ोटोशूट करा के आया। और ये शादी का मॉर्निंग का है, यहाँ पे आशीर्वाद दिया जाता है। और ये देखो कुछ ऐसे फ़ोटोज़ है, मैंने ये जय का हल्दी का फ़ोटो है। बाय द वे ये सारे फ़ोटो सिलेक्शन मैंने खुद किया है, मैं लाइक उन लोगों ने 1000 से ऊपर मतलब अराउंड 2000 ऐसा कुछ होगा पता नहीं, बहुत सारा फ़ोटोज़ था, उसमें से चूज़ करना एक एक नहीं कौन सा वाला अच्छा है, क्योंकि वो लोग हम लोग को ही देते हैं चूज़ करने के लिए कि आप लोग ही चूज़ करके हमें सिलेक्ट करके आप लोग दो एंड उस हिसाब से हम लोग प्रिंट करेंगे। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी काम है, बट मैं इसको एकदम अच्छे से हाँ कौन सा फ़ोटोज़ अच्छा लग रहा है सब कुछ करके मैंने फ़ोटोग्राफर से कोऑर्डिनेट करके ये सब काम करवाया। एंड आप लोग भी देखो, देख के बताओ ये फ़ोटोज़ आप लोग को कैसा लग रहा है, मतलब मेरा सिलेक्शन सही हुआ है कि नहीं। सो चलो आगे देखते हैं ये सारे ये जय का है हल्दी का फ़ोटोज़। और ये देखो कैसे पानी फेंक रहे हैं उसके ऊपर एकदम से। और ये जब शादी करने आ रहा था हमारे घर में उस टाइम का फ़ोटोज़ है, ये बंगाली में माला बहुत बोलते हैं और मैं इसको माला बना रही थी और ये सो गया था, या पता नहीं इसको क्या हो गया, उसके भाई को देख लो वो गुज हो रहा है उधर पीछे से। और ये हम तो बहुत ही बकबक कर रहे थे अपनी शादी के टाइम पे, लिटरली ऐसा लग रहा था कि हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, जबकि हम लोग 2-3 दिन पहले ही मिले थे तो, बट हमने बातें बहुत किया है, फोटोज तो बहुत ही तगड़े आए हैं। देखो ये पता नहीं क्या कर रहा है, आई थिंक मेरा ज्वेलरी ठीक कर रहा था और उस टाइम पे ना मेरा ये मुकुट जो था वो पता नहीं कोई ठीक ही नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे गिर रहा है पड़ रहा है, कोई था ही नहीं हेल्प करने के लिए इतनी रात को, मतलब शादी, एक तो शादी इतनी रात को हुआ सो कोई सब सोने ही चले गए थे, अगर थोड़ा मतलब जल्दी होता ना तो लोग भी रहते और मज़ा भी आता, लेकिन हम लोग भी बहुत ही थक गए थे। तो ये कुछ ऐसा है शादी के टाइम का, ये देखो पोज देख लो हमारा, ये लिटरली मैं आपको बता रही हूँ ये जो पोजेस है ना रात के 3:30 के बाद का ही है, मतलब अर्ली मॉर्निंग का है सारा फोटोज़, 4:00 का है ये फोटोज़, तब सब सो रहे होंगे और हम लोग शादी करके फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। और ये है नेक्स्ट डे का, तो ये जो ओकेशन है ना इसको बोलते हैं भात कपूर, सो टेक्निकली लाइक जय बोल रहे हैं कि वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। और ये भी एक रिचुअल्स है जो रिसेप्शन के मॉर्निंग में लेना होता है, और ऐसे देखो कपड़ा ऐसे खाना मतलब हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है, तो यही एक्चुअली बोल रहा था मुझे। फिर उसके बाद तो रिसेप्शन स्टार्ट हो गया हमारा, तो रिसेप्शन में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ हुआ था, लाइक मैं मेकअप करने गई थी और जय भी मेरे साथ ही गए थे वहीं पे, मतलब मुझे छोड़ने वाले थे बट वो क्या किया ना वो उधर ही रुक गया,
और वो ही खुद नहीं सच पाया, बट फोटोज बड़े तगड़े आए हैं। अब लोग फोटोज देखो, फोटोज में लग ही नहीं रहा है कि उसको मतलब मेकअप नहीं किया, बट कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। देख लो, तुमको फीवर था ना शादी के टाइम पे? हाँ, इसको ना रिसेप्शन के टाइम पे एकदम तगड़ा वाला फीवर आ गया। इसका ऐसा शक्ल ऐसे बन गया फीवर के चक्कर में। मेडिसिन भी लिए थे ना? मेडिसिन भी लेके ये फीवर में रिसेप्शन पार्टी चल रहा है इसका। और कुछ बोलना है तुमको? जब भी देखता है ये सारे फोटोज, उसको ऐसा लगता है कि काश ये पल फिर से वो जी पाता तो और अच्छे से मेकअप करके फोटोज अच्छे से क्लिक कर पाता। यही सो दैट्स इट। तो ये था हमारा शादी का एल्बम। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को देख के कैसा लगा? वीडियो तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख के रखा है, एंड ये अभी एल्बम मैं आप लोग को शो करी। आप लोग को पसंद आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ एंड लाइक करो। एंड ऑफकोर्स अगर आप नए हो मेरे चैनल में, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो टेक केयर एंड बाय।